तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे घाट पे, इसे घाट बोलते हैं। ये कैसा है दोस्तों? बहुत ही दम टेस्टी दिख रहा है। करने के लिए गुजिया जी डलिया ले लिए हैं, तो बर्तन को धोया जा रहा है। और दोस्तों गाड़ी लोगी तो अभी दोस्तों इसमें चावल डाल दे रहे हैं, अड़वा चावल, बासमती चावल। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी ना हम गुड़िया जी, अंकित जी, चिकू जी, हम लोग है जो कि दोस्तों रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज सूर्य मंदिर। जैसे कि दोस्तों जो पहले से लोग ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि हम लोग सूर्य मंदिर अक्सर जाया करते हैं, तो दोस्तों आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी दोस्तों हम जाएंगे मामा जी से, बाइक लेंगे और हम लोग बाइक से ही जाएंगे। तो चलिए गुड़िया जी हमारी करिए लॉक, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। दोस्तों अभी लॉक हो रहे हैं तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि सामान इधर उधर बिखर जाता है। बच्चे लोग आते हैं ना, मामा के लड़के सब, तो गोद हैं, तुमको नहीं लेकर जाएंगे। हम लोग का यात्रा शुरू हो चुका है भगवान सूर्य के मंदिर जाने के लिए। आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी आ चुके हैं अपने मामा के यहाँ, तो चलिए अभी बाइक को निकालते हैं और इसी बाइक से दोस्तों जाना रहता है तो हम लोग चले जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना ऑटो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये गांव है ना, तो गांव एरिया है तो आप लोग समझ सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो चलिए अभी दोस्तों इसे फटाफट निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकाल चुके हैं मेन रोड पे और पापा जी बैग आगे बैठी हुई है, विराट है जो कि बीच में बैठा है और अंकित मेरे पास बैठा है, और आप लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं पालीगंज। तो यहाँ से दोस्तों पेट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल था ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा चल रहा है, ब्लिंक कर रहा था एक तो 310 का दोस्तों पेट्रोल खा रहे हैं, उसके बाद ब्लॉग बना रहे हैं ब्लॉग। तो दोस्तों वहाँ पर देख सकते हैं 310 का पेट्रोल ले लिए, और यहाँ पर दोस्तों 107 रुपये लीटर चल रहे हैं। तो फैमिली हम लोग पहुँच चुके हैं उलार धाम सूर्य मंदिर, जहाँ पर सूर्य भगवान के मंदिर है वहाँ पे। और दोस्तों पहले से जो लोग ब्लॉग देखते होंगे यहाँ पर अक्सर हम लोग आते हैं, तो चलिए आप सभी को कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ जो लोग नए लोग आए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग हैं जो कि वॉश कर लेंगे, मतलब हाथ पैर धो लेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं उधर, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ रहते हैं, और हर संडे के संडे इतना भीड़ रहता है, इससे भी ज़्यादा दोस्तों भीड़ रहते हैं कभी कभी। पूजा करने के लिए गुड़िया जी डलिया ले लिए हैं, तो इसे ना जा करके धोएंगे। वहाँ पर देखिए तालाब है ना बना हुआ, तो वहाँ पर ले जा करके धोएंगे। तो आ जाओ अंकित। तो यहाँ पर देखिए अभी जा रहे हैं, हाथ पैर यहाँ पर धोएंगे, और इधर देख सकते हैं फूल प्रसाद ये सब सब बिकते रहते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे घाट पे, इसे घाट बोलते हैं। तो ये दोस्तों तालाब है और ये तालाब की घाट है, और चीकू पानी में उतर गई है, हाथ पैर धो लो। तो दोस्तों हम लोग चुके हैं अभी हाथ पैर धो लेते हैं, और डलिया जो दोस्तों यहीं पर धोवाते हैं, सभी लोग जो पूजा करने के लिए आते हैं ना, तो यहीं पर पैर हाथ चुके हैं वो धोएंगे। तो चलिए अभी हम विराट को भी धो देंगे, धो देते, ये देख रहा है पानी में, इसमें कुछ नहीं, पानी छिटक रहा है यहाँ पे। दो ठो बच्चे ना स्नान कर रहे हैं। दोस्तों विराट का यहीं का मन्नत है ना, यहीं पे दोस्तों आएंगे इसका मुंडन कराने विराट का। तो चलिए अभी चलिए अंकित, ना प्रसाद ले रहे हैं पूजा करने के लिए, जो सामान चाहिए वो ले ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फूल भी बिकते रहते हैं, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इसी से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं हर संडे को संडे। ये गाड़ी लोगी हैं? चिकू अभी ने बता रही है गाड़ी, पापा अच्छा लग रहा है तुम्हें हैं? पूजा की थाल हो चुकी है रेडी, तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर में। आ जाइए अंकित, अंकित और चीकू पीछे रह रही है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग आए हुए रहते हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना 1 kg मिठाई ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो कि 1 kg मिठाई मुझे चढ़ाने थे, मिठाई है जो कि ले रहे हैं लड्डू। कैसे लगाएंगे भैया, कैसे के जी कैसे लगाइएगा?
5 रुपये 175 रुपये बोल रहे हैं भैया, बोल रहे थे 180, हम बोल रहे थोड़ा और कम कर दीजिए। लड्डू है 35 रुपये का पावा, 20 रुपये का पावा, 45 रुपये का पावा। दोस्तों मिठाई ले ली है अभी और चुके हम लोग मंदिर में, और मंदिर का नजारा कुछ इस तरह का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि बहुत लोग हैं जो कि अंदर में सूर्य भगवान का प्रतिमा है वहाँ पर जाकर के सभी लोग हैं जो कि पूजा करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। वो दोस्तों अंदर ले जाना मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, बाहर से ही आप वहाँ जो कि वीडियो बना सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। यह देखिए वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो मंदिर में पूजा करने के बाद अभी गुड़िया जी आ चुके हैं यहाँ पे हवन कुंड के पास पूजा करने के लिए और हुमात जलाने के लिए। दोस्तों पूजा हो चुके है कम्प्लीट, अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर एक बाबू है, तो वो मतलब उसको प्रसाद दे रहे, नहीं ले रहा है, आप ले लो प्रसाद ले लो, हाँ भगवान का आशीर्वाद। तो दोस्तों उनको ना उलिया इनको देने के बाद, पैसा वैसा देने के बाद हम लोग अभी निकलते हैं घर। तो चलिए दोस्तों आप सभी के सीधे मिलते हैं अपने घर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी ना बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हम लोग को लग रहा है, जस्ट पहुंचे हैं। और दोस्तों अभी ना हम लोग दोस्तों खीर बनाने वाले हैं, आए हैं जैसे दोस्तों खीर बनाने, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तो खीर इसलिए दोस्तों बनाएंगे क्योंकि हम लोग पूजा करने जाते हैं ना एतवार के दिन सूर्य भगवान को, तो दोस्तों वहाँ तो उसके बाद दोस्तों खाना जिस दिन आप पूजा करते हैं उस दिन दोस्तों नमक नहीं खाने होते हैं, यानी कि आप मीठा चीज खा सकते हैं, जैसे दोस्तों छेना रसगुल्ला हो गया या खीर हो गया या आप सूजी बनाकर खा सकते हैं, मीठा चीज ही खा सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो फल भी खा सकते हैं, तो मैं हम लोग सोचे चलिए दोस्तों खीर बनाएंगे हम लोग। तो मैं चला कि चलो, मैं बोला कि चलिए खीरे है बना करके खाते हैं। तो दोस्तों गैस पर हम लोग जो कि खीर नहीं बना पाएंगे क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गैस होता है वो शुद्धि होता है, फिर भी हम लोग दोस्तों खाएंगे ये खीर बना करके। और दोस्तों पतीला लाए हैं आप सभी को दिखाएंगे आगे चल के, पतीला लाए हैं दोस्तों मिट्टी का बर्तन जिसे बोलते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें जब खीर बनते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सौंधा सौंधा लगते हैं। और दोस्तों लकड़ी से बनाएंगे तो और सौंधा लगेंगे, मतलब कि मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो और अच्छा हो गया और लकड़ी से बनाएंगे तो और अच्छा हो गया, तो हम लोग को बहुत ज्यादा टेस्ट लाएंगे। और बहुत लोग जो कि हम लोग दोस्तों टेस्ट थोड़ा सा मिट्टी उट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, तो चलिए अभी दोस्तों हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों खीर बनाने के लिए यहाँ पर गुड़िया जी जो कि चूल्हा बनाए हैं, बर्तन लाए हैं मिट्टी का, वो मतलब उसी में दोस्तों खीर है जो कि बनेंगे। तो पूरी तरह से दोस्तों गुड़िया जी पहले तो कहीं भी खाना बनाते हैं तो ये पहले साफ सुथरा कर देते हैं चूल्हे को, ताकि अच्छा मतलब चूल्हे का भी मतलब अपमान ना हो। हाँ खीर बनाएंगे, चलिए अभी तो ये निपाय गया, उसके बाद जितना भी है दोस्तों खीर वाले सामान वो यहाँ पे जो कि लाएंगे, उसके बाद दोस्तों चढ़ा करके और यहाँ पे दोस्तों गोईठा गोईठे से दोस्तों बनाएंगे। तो आज ना बहुत ज़्यादा धूप भी निकले हुए हैं, सूर्य भगवान जो कि बहुत तेज़ जो कि धूप दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो मतलब कल बारिश हुए थे तो बारिश होने की वजह से देख सकते वो सब भी मतलब मुलायम हो जाएंगे, तब दोस्तों किचन आएंगे, बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि कब बनाएंगे। तो दोस्तों बारिश ही मतलब हो रहा है लगातार, तो बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सही हो जाएंगे मौसम तब उसके बाद बनाएंगे। हो गया बताए पता है बढ़िया तरीके से हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अंकित जी देखिए जितना सारा पूरा जितना माला था ना वो देखिए अभी पहन करके बहुत मस्त लड़का है। बर्तन को धोया जा रहा है और दोस्तों इसलिए दोस्तों खीर बनते हैं, मतलब हम लोग मीठा बनाते हैं क्योंकि दोस्तों जो कि आज के दिन पूजा करते हैं ना, तो मतलब नमक वाली चीज़ या मतलब जो कि चावल वो नहीं खाएंगे, तो इसलिए दोस्तों खीर बना करके खाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस मिट्टी में मतलब बनाने वाले खीर, और दोस्तों ये ना पानी के लिए भी बहुत अच्छी है कि गर्मी में पानी रखेंगे और पानी जो कि ठंडा ठंडा पी पाएंगे हम लोग, इसमें ठंडा रहता है ज़्यादातर पानी और ये दोस्तों शुद्ध करता है पानी को ना, इसलिए और भी बेस्ट रहेंगे। दोस्तों देख लीजिए कितना मिट्टी का बर्तन कितना सुंदर दिखता है, बहुत ही मस्त। ये देखिए पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो कि दूध लेकर चले आए गुड़िया जी और इसमें डाल दे रहे हैं, चल डालिए। और दोस्तों ये ना कोई प्रसाद नहीं बन रहा है, ये दोस्तों हम लोग बना रहे इस चलते क्योंकि मीठा खाना होता है ना,
तो बना दे रहे हैं कि दोस्तों कि गैस पर उतना शुद्ध नहीं बन पाते हैं। और ये मिट्टी का बर्तन, और ये अगर बनाएंगे इस पे तो स्वादिष्ट लगेंगे, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग इसी पे बना रहे हैं, इसी तरह से बना रहे हैं, क्योंकि चूल्हा है दोस्तों उधर फूट गया है, नहीं तो चूल्हे पर बनाते, इसलिए दोस्तों ईंट का चूल्हा बनाना पड़ा। तो चलिए, और इस पे इस गैस से दोस्तों ज़्यादा स्वाद देंगे इस पे, इसीलिए दोस्तों हम लोग हैं जो कि बना रहे हैं, और अच्छा भी रहता है उस पे दोस्तों, शुद्धियाँ भी गैस होती हैं। तो इस चलते तो अभी दोस्तों इसमें चावल डाल दे रहे हैं, अड़वा चावल, बासमती चावल है दोस्तों, बासमती चावल, और फर्स्ट टाइम है जो कि बासमती चावल का जो कि हम लोग खीर बना करके खाएंगे। और ये दोस्तों हांडी में मिट्टी वाला मतलब बर्तन में बना, उसका टेस्ट ही अलग आता है। अगर बर्तन वाला हांडी में कुछ भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट एकदम अलग आता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग बना रहे हैं। तो बहुत लोग समझ सकते हैं कि ये प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद नहीं है ये दोस्तों, खाना होता है। जब सूर्य भगवान की पूजा करने करके कोई इंसान आता है ना, तो उसे मीठा खाना होता है, नमक नहीं करना, खास करके संडे के दिन। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग सोचे कि चलो बना लेते हैं इसी पे खीर, जो कि गैस पर, जो कि आप जानवे करते हैं गैस है जो कि शुद्ध है, तो इसी चलते इसी पे दोस्तों बना। तो इसमें दोस्तों अभी डाल दे रहे हैं पचमेवा, गड़ी छुए रहा, किसमिस रहता है, वो सब जो भोजन बनते हैं मिट्टी के बर्तन में ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो लोग खाएंगे उनको पता होगा, बहुत लोग हैं जो कि खाना बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, स्पेशल जब उनको मन करता है तो कि चलो आज बना करके खाते हैं मिट्टी के बर्तन में, तो इसलिए बर्तन में चला देते हैं। ये इतना ज़्यादा धूप भी है दोस्तों और गर्मी भी है, क्या ही बताओ। देखिए दोस्तों इसे चला करके देख लेते हैं, ये अभी सीधे ये नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें इसमें खाना बनाने में, बहुत ही मस्त। चलिए अभी निकाल देते हैं, आँच थोड़ा सा तेज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे खीर है जो कि पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, और बहुत ही दोस्तों मतलब अच्छे सुगंध आ रहे हैं, बहुत ही लेट लगे दोस्तों, एक घंटा लगे, एक घंटा ज्यादा लग गए बनाने में, और इतना धूप में हम यहीं पे बैठ के बना रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जो लोग चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी चलिए साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, और इसके बाद दोस्तों निकाल करके खाए जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे गुड़िया जी निकाल ले रहे हैं खीर को, और आप लोग भी देखिए कि कैसा है, और चीकू बहुत ज्यादा खुश हो गई है खाने के लिए, और देखिए कैसा है दोस्तों, बहुत ही दम टेस्टी दिख रहे हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा है, और ये खास कर दोस्तों मिट्टी का बर्तन में, ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों कि वाह इतना टेस्टी लगेगा क्या ही बताओ, बहुत ही, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए निकाल दे रहे। टू फैमिली जिनको भी खाना है इसी में से आप लोग खा लीजिए, और ये देखिए कितना मस्त दिख रहे हैं। और दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं तक रखें, क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, हम लोग को भूख भी लग रही है, ज्यादा समय हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो आप लोग में, तब तक लिए बाय बाय। और दोस्तों हमसे कोई गलती मिस्टेक हो गया तो कृपया माफ कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक लिए।